तमाम देखने वाले और सुनने वाले दोस्त अहबाबों को सैयद नूर अली शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज अभी मैं आसान सा अमल लाया हूं, एक इतना आसान अमल कि आपने सिर्फ 33 मरतबा हाजिर शू का वेद करना है और नंगी परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। एक ऐसी नंगी परी जिसने कपड़े नहीं पहने जो आपके हाथ जाने जाए, इस काम में आपकी मददगार रहेगी, आपको हर वो चीज़ ला कर देगी जो चीज़ आप इससे मांगेंगे। इसके पास बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। आपकी मर्दाना कमजोरी है, आपकी मर्दाना ताकत कम है, ये उससे बढ़ाएगी। इसके इतने फायदे कि मैं इसकी जितनी तारीफें करूं कम है। इसे एक बार आप हाजिर करें, सारी जिंदगी आप मुझे दुआएं देंगे। तो बिना टाइम जाए कि मैं आपको आज का अमल बताता हूँ। अमल बताने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेता, कैसे और अमल आप तक पहुँचते रहें, ऐसे और वीडियोस आप तक आती रहें जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सकें। और बहुत सारे भाई आउट ऑफ कंट्री से गुजारिश कर रहे थे कि शाह साहब हमें आसान से अमल बताएं जिससे हम खुद कर लें। तो ये बहुत आसान अमल है, कम तादाद वाला अमल है और कमज़ोर दिल हजरात भी कर सकते हैं, यानी हर कोई कर सकता है, बच्चे से बच्चा बूढ़े से बूढ़ा भी कर सकता है। औरतें नहीं कर सकती, सिर्फ मर्द कर सकती, क्योंकि जब ये परी हाजिर होगी तो इसकी शर्त होगी कि पहले से हम बिस्तरी की जहाँ बिस्तरी इस परी की शर्त है, बाकी ये दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी करेगी आपकी, जो मुँह से निकालेंगे वही पूरा होगा। तो इसे हाजिर करने के लिए आपने ये आज की वीडियो को गौर से सुनना है, बिल्कुल इस तरह करना जिस तरह मैं आपको समझाऊं। अक्सर लोग अपनी मर्जी से करते हैं, फिर वो क्या नुकसान उठाते हैं, उनको कामयाबी नहीं मिलती। आपने ये बेवकूफ़ी नहीं करनी, आपने बिल्कुल इस तरीके से करना है जिस तरीके से आपको मैं बताऊं। आपको एक भाई की कहानी बता दूँ। भाई मेरा एक अमल कर रहा था नक्स पे, नक्श वाला। तो उसने वो अमल किया, अमल उसने किया शोर शराबे मिल जगह पर, बाहर बंदे बैठ के शोर शराबा कर देते और अंदर ये वाशरूम में अमल कर रहा था, तो जिसकी वजह से उसको काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। तो फिर उसने मुझसे रबते किया था, मुझे बता रही मेरा ये नुकसान हुआ है। तो मैंने कहा तुझे किसने कहा? तुझे आप लोगों को मैं हर वीडियो में समझाता हूँ कि अमल उस जगह पे क्या करें जहाँ पर ना कोई आपको देखने वाला ना कोई सुनने वाला, शोर शराबे वाली जगह ना हो। आपको मैं हर वीडियो में समझाता हूँ, तो समझ लिया करें मेरी बातों को, आपके फ़ायदे के लिए ही बोलता हूँ। बाकी मुझे तो लालच आप लोगों से कोई नहीं, अगर लालच होती तो मैं आपको इतने आसान अमल नहीं बताता, मुश्किल अमल बताता जो आप कर ही ना सकते फिर आप मुझसे करवाते। आसान अमल इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग खुद करें और खुद कामयाबी हासिल करें। बाकी जो बहन बहन नहीं कर सकते, जो आउट ऑफ कंट्री में, जिनके पास टाइम नहीं, जगह नहीं, आपको कोई भी मसला मसाला आप मुझसे करवा सकते, हाजिरी जाइए, आपको हाजिरी मिल जाएगी। तो आज का अमल गौर से सुन लें, बिल्कुल इसी तरह करें। आज के अमल को आपने एक ऐसी जगह पर करना है जहाँ पर ना कोई आपको देखने वाला हो ना कोई सुनने वाला हो, एक ऐसी अकेली जगह हो, बिल्कुल वहरान हो, या वहरान जगह पर छत पर, यानी बस जगह अकेली होनी चाहिए। अमल जो भी क्या करें खलवत वाली जगह पर क्या करें, अमल खलवत में ही कामयाब होते हैं। और बहुत सारे बहनों भाई ये सवाल करते हैं कि शाह साहब खलवत किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूँ कि खलवत एक तन्हाई, एक अकेलेपन को कहते हैं। अमल जो भी क्या करें खलवत में क्या करें, खलवत में ही अमल कामयाब होते हैं। तो इस अमल को भी आपने खलबत में करना है, किसी भी ऐसी जगह पर आ जाना, आने के बाद सिंपल वहाँ पर आपने गोल दैर लगा के बैठ जाना, बैठने के बाद आपने 33 मरतबा हाजिर शुरू का वित करना है। और ये नक्श आपको स्क्रीन पर नजर आएगा, इस नक्श को ज़ाफ़रान और कस्तूरी से लिख के जलाना है। जैसे ही जलाएंगे फौरन नंगी परी आपके सामने हाजिर होगी, डरना बिल्कुल भी नहीं है। हाजिर हो, हम बिस्तरी करें, काम करवाएँ और जो ख्वाहिश है उसको बताएं, वो पूरी करेगी। और इसमें कोई वो नहीं, डर खुफ कोई परहेज नहीं, बस इतना आसान सा अमल इसे करें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। जो नहीं कर सकते, जो मेरे बहन भी आउट ऑफ कंट्री में, जिनके पास टाइम नहीं, तो जगह नहीं होती, वो मुझसे रब्ता करें। अगर आपकी जिंदगी में कोई मसला मसाइल है आप मुझसे हल करवा सकते हैं। आपका कोई भी काम है, घर में बंदिशें, लड़ाई झगड़े, बच्चे तंग करते या बात नहीं मानते, ये 100 इंसान के मसले मसाइल होते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ, मुझे ऐसे कई घंटे लग जाए मसले मसाइल बताते, बस आपको इतना बताऊँ जो नामुमकिन काम होता है वो आप हमसे मिनटों सेकंडों में मुमकिन करवा सकते हैं। तो मुझे तब तक के लिए दुआ में याद रखना, दीजिए ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।